भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, क्योंकि आज देश को मिल गई हैं पहली तीन महिला फाइटर पायलट्स। आज पहली बार तीन महिला अधिकारी वायुसेना में भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट के तौर पर शामिल की गई। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के इतिहास में शनिवार का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब खुले आसमान में देश की पहली तीन महिला फाइटर पायलट्स ने हौसलों की ऊंची उड़ान भरी। ये हैं देश की तीन जाबाज महिला पायलट्स, जिनके बढ़ते कदमों ने नया इतिहास रचा। वो इतिहास जिसे जानकर दुश्मनों के भी पसीने छूट जाएंगे। देश की तीन जाबाज बेटियां फ्लाइंग कैडेट अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंड। देश की इन तीन बेटियों ने अपनी हिम्मत के दम पर वायुसेना के दस्ते में जगह बनाई। हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड के बाद रक्षा मंत्री मनोहर सिंह ने उन्हें भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया। ये त्रिशक्ति अब बहुत जल्द हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के इरादे को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये तीनों भी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरी है। जरा इनकी कठिन ट्रेनिंग की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। आसमान में उड़ान भरती ये महिला पायलट्स हैं, और अब वो दिन दूर नहीं जब ये मिग और सुखोई जैसे घातक और खतरनाक फाइटर प्लेन को अपने इशारों पर हवा में नचाती हुई नजर आने वाली हैं। अभी तक लड़ाकू विमान की कमान सिर्फ पुरुषों के हाथ में थी। महिलाएं वायुसेना में अब तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही हैं, मगर अब देश को तीन पहली वुमन फाइटर पायलट मिल गई हैं। अब ये महिला फाइटर पायलट्स भी आसमान में पुरुषों के साथ मिलकर हवाई सरहद की सुरक्षा करेंगी। वाकई आज का दिन न सिर्फ वायुसेना के लिए बल्कि देश के लिए भी बेहद अहम है, जो ये दिखाता है कि देश की बेटियां न सिर्फ प्लेन उड़ा सकती हैं बल्कि दुश्मनों से लोहा लेने में भी पीछे नहीं है। देखते रहिए टीवी लाइव।